हाई एवरी वन वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट सो हम यहाँ पे जो है क्लास इलेवन के एनसीआर टी जो है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड उसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था इन अवर प्रीवियस वीडियो जिसमें हम जो है ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे डिफरेंट फॉर्म्स जो है राइट वो किस तरह से इवॉल्व हुई थी उनके फीचर्स के बारे में हम यहाँ पे देख रहे थे एंड अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है मॉडर्न ह्यूमन बींग्स जो है राइट उनके फ़ीचर्स के बारे में जो है पढ़ना स्टार्ट किया था एंड किस तरह से ये रहा करते थे कौन से एरिया में रहते थे इनके बॉडी का स्ट्रक्चर क्या था ये क्या खाते थे एंड किस तरह के इनके शेल्टर्स हुआ करते थे तो ये चीज़ें हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर की है

जो बोलने का इनका तरीका है वो कब यहाँ पे डेवलप हुआ था वो सारी चीजें जो है वो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे कवर करेंगे राइट सो लेट स्टार्ट द टॉपिक सो अमंग लिविंग बींग इट इज ह्यूमन that have है लैंग्वेज तो आपको भी पता है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं चाहे यहाँ पे कीड़े मकोड़े हों चाहे यहाँ पे ह्यूमन्स हों चाहे यहाँ पे बर्ड्स हो, एनिमल्स हों तो उनमें से जो ह्यूमन्स हैं ओके okay? जो ह्यूमंस हैं उनके पास ही यहाँ पे लैंग्वेज है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड जो लैंग्वेज यहाँ पे डेवलप हुई थी किस तरह से डेवलप हुई थी उसको लेके भी जो है कई सारे व्यूज़ हैं यहाँ पे अलग अलग व्यूज़ यहाँ पे जो है डिफरेंट आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा दिए जाते हैं डेट होमिनट लैंग्वेज इन्वॉल्व गेस्चर्स और दी हैंड जो हॉमिनट्स थे जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे उनके जो लैंग्वेज जो है राइट right, यहाँ पे वो किस तरह की थी वो जस्ट अः गेस्टर्स जो होते हैं फेस गेस्टर्स जो होते हैं ना या फिर हैंड मूवमेंट्स होती है उसके थ्रू ही जो है वो कम्युनिकेट करते थे एंड दूसरा ये हो सकता है दैट स्पोकन लैंग्वेज बाय वोकल बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच एज सिंगिंग एंड तो जो स्पोकन लैंग्वेज है ना वो बाद में डेवलप हुई थी उससे पहले यहाँ पे जो है वोकल लैंग्वेज जो है वो तो डेवलप हो चुकी थी बट वो जस्ट हमिंग करते थे जैसे हुँ, हुँ, ऐसे बोलना या फिर सिंग करना राइट right? कुछ जैसे जो है जैसे वॉइस uh, निकालते हैं ना वैसे जो है एक म्यूजिक से जो है निकालते हैं तो वो पहले डेवलप हुआ था तो जो वर्ड्स हम यहां पे बोलते हैं ना तो वो बाद में डेवलप हुई थी ओके okay, तो स्पोकन लैंग्वेज जो है वो बाद में डेवलप हुई थी एंड जो सिंगिंग एंड ह्यूमिंग है वो पहले यहाँ पर डेवलप हो चुकी थी एंड दैट ह्यूमन स्पीच प्रोबेबली बिगिन विद कॉल्स लाइक दी हैव बीन हैबिट अमंग द प्राइमेट्स तो ऐसा बोला जा सकता है कि प्राइमेट्स में जिस तरह से वो प्राइमेट्स जो होते हैं ना वो जिस तरह से एक दूसरे को कॉल करते हैं तो वहीं से ह्यूमन स्पीच जो है ना वो यहाँ पर डेवलप हुई थी उसको देख के ही मिन जो एनिमल्स हैं ना वो किस तरह से एक दूसरे को बुलाते हैं वही तरीका था पहले इनका भी बुलाने का तो कई सारे पे कि जो है किस तरह से हुई थी बट किसी को कुछ भी ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है ओके सो ह्यूमेड स्मॉल ऑफ स्पीच द इनिशियल स्टेज ऐसा बोला जाता है कि इनिशियल स्टेज में जो है काफी स्पीच uh, इनके वो काफी कम नंबर में होंगे एंड ग्रेजुअली दीज पे हैव डेवलप्ड इन टू लैंग्वेज तो धीरे धीरे जो ये जो साउंडस थे ना इनके कोई आवाज़ निकालते थे बट ये वर्ड्स नहीं बोलते थे लैंग्वेज नहीं थी इनकी कोई भी उस समय में तो ये जो है धीरे धीरे यहाँ पे लैंग्वेज में डेवलप हुए थे जो स्पीच साउंड्स होते हैं तो जो स्पोकन लैंग्वेज है ना वो कब इमर्ज हुई थी एंड इसको लेके जो है ये सजेस्ट किया जाता है डेट कि जो होमो हेबिलिस थे ना उनके ब्रेन में इस तरह के फीचर्स थे विच वुड हैव मेड इट पॉसिबल फॉर देम टू स्पीक जिसकी वजह से जो है उन्होंने अपने माइंड का यूज़ किया अपने ब्रेन का यूज़ किया एंड वो जो है बोलना स्टार्ट कर देते हैं दस जो लैंग्वेज है वो टू मिलियन ईयर एगो ही यहाँ पर डेवलप हो चुकी थी राइट एंड द एवोल्यूशन ऑफ द वोकल ट्रैक वॉज इक्वली इम्पॉर्टेंट एट दिस अकड़ अराउंड वोकल ट्रैक जो होते हैं अलग अलग जो लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है बोली जाती है तो इस तरह के जो वोकल ट्रैक्टर डेवलप हो चुके थे ओके एंड इट इज मॉर स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद दॉडर्न ह्यूम तो मॉडर्न ह्यूम्स ने ही जो है अलग अलग लैंग्वेज जो होती है ना जो वोकल ट्रैक्टर होते हैं वो यहाँ पे स्टार्ट कर दिए थे राइट right? और थर्ड सजेशन इज़ डैट द लैंग्वेज डेवलप्ड अराउंड द सेम टाइम एज आर्ट तो ऐसा भी बोला जाता है कि जब आर्ट जो होती है ना वो यहाँ पे डेवलप हुई थी तब उसके साथ ही यहाँ पे जो लैंग्वेज होती है ना वो भी यहाँ पे डेवलप हो चुकी थी एंड डेट इज़ अराउंड टू फोर्टी थाउजेंड से लेके थर्टी फाइव थाउजेंड ईयर्स एगो ही जो लैंग्वेज है वो डेवलप हुई थी ओके okay? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि स्पोकन लैंग्वेज जो होती है ना उसकी डेवलपमेंट जो है आर्ट के साथ क्लोजली रिलेट की जाती है सिंस बोथ आर मीडिया फॉर द कम्युनिकेशन क्योंकि जो आर्ट होती है ना मीन कुछ चीज बना के किसी को दिखानी राइट right? कोई आर्ट करके किसी को दिखाना तो वो भी जो है एक तरीका है कम्युनिकेशन का तो ऐसा बोला जाता है कि जब आर्ट यहाँ पे डेवलप हुई थी तभी जाके जो लैंग्वेज है वो भी डेवलप हुई थी तो आर्ट में यहाँ पे कई तरह की आर्ट आ जाती है तो यहाँ पे हमें अर्लियर ह्यूमन बींग्स की जो है पेंटिंग्स जो है ना वो बहुत ज्यादा मिली है तो इट इज ऑल्सो अ वे ऑफ कम्युनिकेट राइट किस तरह से ये कम्युनिकेट कर सकते हैं जैसे जो केव वॉल्स है वहां पे पेंटिंग्स की हुई हैं तो उन्होंने पेंटिंग्स क्यों की होगी क्योंकि जो है ये अपने जो पुराने ट्रेडिशंस है ना वो पेंटिंग्स के थ्रू जो आने वाली जनरेशन है उनके तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये भी जो है कम्युनिकेट ही कर रहे हैं इस तरह से राइट सो हंड्रेड ऑफ पेंटिंग्स ऑफ एनिमल्स जो है वो यहाँ पे डिस्कवर हुई हैं इन द केव ऑफ द शॉवेट एंड फ्रांस अल्टामिरा एंड स्पेन हर जगह पे जो है ये पेंटिंग्स हमें यहाँ पे देखने को मिली है इसमें कई सारे एनिमल्स की पेंटिंग्स हैं बाइसोन, हॉर्सेज हो गए आई बैग डियर मेमोत्स रीनोस हो गए लाइन बियर्स पेंथर्स हिन्स आउस राइट इस तरह के जितने भी एनिमल्स हैं उनकी पेंटिंग्स हमें यहाँ पे देखने को मिली या फिर बर्ड्स की मिली हैं ओके सो बट जब इन पेंटिंग्स को इन आर्क्योलॉजिस्ट ने देखा तो उनके माइंड में और भी ज्यादा क्वेश्चन जो है न वो रेज हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल की एक तरह से वाई डू समरियाज ऑफ केव है कि पेंटिंग जो है वो केव्स की किसी एक एरिया में हैं पर दूसरे एरियाज में क्यों नहीं है कि या फिर जो पेंटिंग्स है वो किसी किसी एनिमल की ही की गई है दूसरे एनिमल्स की पेंटिंग यहाँ पे क्यों नहीं बनाई गई है वाई वर मैन पेंटेड बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स जो मैन हैं उनकी पेंटिंग जो है वो ग्रुप्स में भी बनाई गई है एंड उन्हें उनकी जो पेंटिंग है वो इंडिविजुअली भी बनाई गई है एंड जो वुमेन हैं उन्हें डिपिक्ट किया गया है जो वो जस्ट ग्रुप्स में ही डिपिक्ट किया गया है एंड वाई वर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स पेंटेड इन दी सेक्शंस ऑफ द केस वी साउंड कैरिड वेल तो मीन I mean, जो है पेंटिंग जो है उसी सेक्शन में ही जो है बनाई गई हैं जहाँ पे जो साउंड है वो अच्छे से एक तरह से सुना जा सकता है जहाँ पे आवाज़ ईजिली जो है बाहर की तरफ सुनी जा सकती है तो कई सारे क्वेश्चन जो है उनके माइंड में यहाँ पे आए थे तो इसको लेके भी जो है कई सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो ऑफर की गई है पहला तो ये हो सकता है डैट बिकॉज ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ हंटिंग राइट हंटिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट थी सो द पेंटिंग ऑफ द एनिमल्स वर एसोसिएटेड विद द रिचुअल एंड द मैजिक तो ये हो सकता है कि हंटिंग करने से पहले ये कोई रिचुअल करते होंगे ओके okay? तो एक रिचुअल यहाँ पे क्या होता होगा कि एनिमल की पेंटिंग पहले यहाँ पे बनानी है हंटिंग करने से पहले तो हो सकता है यहाँ पे ये कोई Uh, इनका रिचुअल रहा होगा हंटिंग करने से पहले ओके सो द एक्ट ऑफ पेंटिंग रिचुअल टू इंश्योर अ सक्सेसफुल हंट कि अगर हम ये रिचुअल करेंगे तो हमारा जो हंटिंग है वो सक्सेसफुल रहेगी तो दूसरी एक्सप्लेनेशन जो ऑफर की गई है इज डैट दीज वर पॉसिबली मीटिंग प्लेसेस कि ये जो केव्स है यहाँ पे पेंटिंग की गई है ये हो सकते हैं मीटिंग प्लेसेस रही होंगी फॉर द स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल्स और द लोकेशंस फॉर द ग्रुप एक्टिविटीज ओके एंड ये जो ग्रुप्स थे वो इन केव्स में हंटिंग टेक्निक्स को या फिर नॉलेज को शेयर किया करते थे एंड जो पेंटिंग एंड इनग्रेविंग्स यहाँ पे बनाई गई हैं वो एक तरह से अपनी इंफॉर्मेशन जो है आने वाली जनरेशन तक पास करने के लिए पेंटिंग्स जो है वो यहाँ पे बनाई गई हैं, ओके सो दी अबब अकाउंट ऑफ ऑली सोसाइटी हैज़ बीन बेस्ड ऑन द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो ये जो यहाँ पे बताया गया है ना सारे आंसर्स फाइंड करने की कोशिश की गई है तो ये आर्क्योलॉजिकल एविडेंस के ऊपर ही बेस्ड है ये जो आंसर यहाँ पे देने की कोशिश की गई है एंड क्लियरली देर इज मच डैट वी स्टिल डू नॉट नो तो हो सकता है यहाँ पे कि कई ऐसी चीज़ें हैं कई सारे ऐसे आंसर्स हैं जिन्हें हम यहाँ पे अभी नहीं जानते हैं जिन्हें अभी भी जो है आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं

उनकी प्रैक्टिसेस को देके हम जो है पास्ट की सोसाइटीज की जो जो भी तरीके हैं उनके रहने के उनके प्रैक्टिसेस के बारे में जान सकते हैं तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे राइट सो विल कंटिन्यू विद दिस सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूले थैंक यू सो मच हैव बाय